और आज से संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। संसद सत्र के पहले दिन सरकार लोकसभा और राज्यसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेगी। कल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। वहीं सत्र में विपक्ष नीट पेपर लीक, रेलवे सुरक्षा और कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले समेत कई मुद्दों को पर जोरदार तरीके से उठाने वाला है। आज से शुरू हो रहा संसद सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। तो आज से मानसून सत्र की शुरुआत होनी है, कल बजट पेश किया जाना है। निर्मला सीतारमण कल बजट पेश करेंगी और इस दौरान कहा यह जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो इस मानसून सत्र में उठाए जा सकते हैं विपक्ष की तरफ से, खासतौर पर पेपर लीक, रेलवे सुरक्षा, कांवड़ यात्रा, ये तमाम जो मुद्दे हैं वो उठा सकती है विपक्ष। इसके अलावा जोरदार तरीके से अपनी बात रखने की प्लानिंग भी विपक्ष की है। आज से शुरू हो रहा है संसद का मानसून सत्र जो कि 12 अगस्त तक चलेगा। तो कल बजट पेश किया जाना है, अब देखना होगा किसको कितनी राहत, कितनी चीजों में आम जनता पर बोझ कम करती है वित्त मंत्री, और इस बजट का इंतजार रहेगा। कल वित्त मंत्री ये बजट पेश करने वाली है, लेकिन आज से मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। 12 अगस्त तक ये मानसून सत्र चलेगा। इस मानसून सत्र के हंगामेदार रहने के आसार जताए जा रहे हैं।